सांस ली होगी, अब आई आपको सांस एक लंबी चौड़ी. She was right here. No, no, they're very harmless. I know, but he doesn't know, na. Yeah, he doesn't. Otherwise, I would never get them out like this, roaming around. Okay, yeah, yeah, please, please, please. Pashwa sir, very congratulations. The trailer is getting a huge response. Thank you. It's crossed the millions of views in our YouTube. So how you're getting the response from the audience, your friends, your family? I think it's very positive because what people say is that if you're doing a film here, we always want to make a different film, and they're saying Parmanu is a different film, very interesting. But the most exciting thing is saying ये commercial film लगती है, ये engaging thriller लग रही है. So I think that's the biggest plus we're getting out. कि मतलब कुछ होने वाला है इसमें, and I think that's very exciting. Okay, Abhishek sir. No, I think I was always sure that the subject should appeal to the people. But I think the way the trailer has been cut, the way it is being marketed by John's team, and the way people are now reacting, even to the song, Sachin Jigar ne bhi bahut acha music diya hai, aur Shubhdin was trending, and now I have heard the other song is also trending. Which one? His favorite song, Jitni Dafa, bahut inka favorite song hai. तो वो दोनों गानों ने जितना अच्छा किया है, जितना जितनी दफा भी पीछे कहानी और पिक्चर देंगे तब समझ क्यों हंस रहे हम दोनों. लेकिन शुभदिन रियली रियली यू नो टुक द ट्रेलर फॉरवर्ड, एंड अब हर गाना जब आएगा सो आई थिंक कहीं ना कहीं पिक्चर का इंटरेस्ट और पीक होगा. सो मुझे यकीन है, एंड जितने कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ यूट्यूब पे और सोशल मीडिया में, आई थिंक पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म. हाँ, हमें शायद पब्लिसिटी के लिए थोड़ा कम वक्त मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक विद द मटीरियल, जिससे का मटीरियल बाहर आ रहा है, वील मेक अप फॉर इट. ओके सर, परमानु एक रियल बेस्ड लाइफ पे बेस्ड है, बट आपने इसके लिए प्रिपेयर कैसे किया? इट्स एन फ्रिक्शन, इट्स अ रियल इंसिडेंट फिल्म, एंड इट हैपेंड इन ऑन द 11th ऑफ मे 1998. यू कैन कंटिन्यू एंड जस्ट सो बेसिकली इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट, बट द कैरेक्टर्स आर फिक्शनल, लेकिन प्लॉट जो है वो पूरा रियल है. ऑलमोस्ट 80-85% जो घटनाक्रम है वो वही है जो हुआ था उस समय. सो जॉन सर, हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर रोल? रोल में काफ़ी वर्कशॉप्स की हम लोगों ने. कैरेक्टर का नाम अश्वथ रैना है, वो एक जूनियर ब्यूरोक्रेट है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, एंड काफ़ी मुझे अपने आप को डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ा. आई कुडंट हैव अ बॉडी. अभिषेक ने कहा कि ये जिम जाना छोड़ दो अभी, यू नो जस्ट लुक लाइक रेगुलर. और फिर हमारे मेरे कैरेक्टर के ऊपर, बैक स्टोरी के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च किया हम लोगों ने. ओके, ये मूवी में आप साइंटिस्ट एक आर्मी का रोल कर रहे हैं, और हमने प्रीवियस में देखा है कि आप मोस्ट ऑफ एक्शन जॉनर में देखे गए हैं. सो डू यू थिंक इट्स एन एक्सपेरिमेंट, आपको रिस्की गिर सकता है? नहीं, आई थिंक आई डिड मद्रास कैफे आल्सो इन द पास्ट. उसके पहले मैंने बहुत सारी ऐसे फिल्म भी की है जहाँ पे मैंने काफी रिस्क लिया है, जैसे वाटर, नो स्मोकिंग, काबुल एक्सप्रेस, तो बहुत सारी. एंड आई थिंक जैसे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर जो जिसे मैं मानता हूँ, एंड आई लव हिम द मोस्ट, आदित्य चोपड़ा, ही सेड यू नो जॉन, योर मोस्ट इंटेलिजेंट चॉइसेस आर द वंस दैट आर डिफरेंट. सो मैं मानता हूँ कि परमाणु वही डिफरेंट चॉइस है, और मैं ऐसे ही डिफरेंट चॉइसेस करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग अगर जे एंटरटेनमेंट के बारे में सोचते बोलते हैं, नहीं ये कुछ अलग ही लेके आएगा अभी. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और हमने जो सोचा है इसके बाद, शायद हम अगर यू नो मैंने वह अभिषेक फ्री फ्रॉम जोया फैक्टर व्हेन वी डू दैट, यू नो दैट्स ऑल्सो वेरी डिफरेंट, कि आप सोचोगे कि यार ये मतलब परमाणु अभी सैटेलाइट पर फिल्म बनाई इन लोगों ने, अभी ये क्या सोचा है उन लोगों ने. So I think that's very important. Keep shocking the audience. Okay, movie mein woman heroine sir bhi hai, Diana ji bhi hai. So how was the experience working with him? He's great. I mean, Bowman's beautiful, Diana's handsome. Yeah, it's a great experience. Diana bahut hi pyari ladki hai, hard working, sincere, great screen presence. Homework karke aayi thi wo, aur kafi workshops bhi kiye usne. बमन सर तो आई मीन आप अभिषेक से पूछिए, जितना उनका कंट्रीब्यूशन था स्क्रिप्ट में, बहुत वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. वी आर रियली थैंकफुल टू हिम. या एक्चुअली वो क्योंकि हमें वक्त काफी कम मिला था स्क्रीन प्ले के लिए. तीन लोग लिख रहे थे, मैं, साइवन, संयुक्ता, एंड थैंकफुली क्योंकि हम तीनों का एक्सपीरियंस रहा है इस क्राफ्ट के ऊपर, तो हम लोग कर पाए. चार महीने में हमने 5 ड्राफ्ट लिखे, लेकिन उसके बावजूद बमन सर ने कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स पकड़े थे स्क्रीन प्ले में. और उनकी अच्छी खासियत क्या है ना, कि वो अपने कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं. आई थिंक ही जब भी वो डायरेक्ट करेंगे, ही विल बी वेरी गुड डायरेक्टर ऑल्सो, क्योंकि वो पूरी स्टोरी को देखते थे. तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, तीन चार ऐसी चीज़ें हमें बताई जिससे कि हम लोग
और एकदम रेफरेंस के साथ, बहुत ज्यादा ज्ञानी इंसान है वो, सिनेमेटिकली उनको बहुत चीजें पता है, तो उनका उनका कंट्रीब्यूशन इवन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत रहा। ओके, आपने वुमन एन जी के बारे में तो बता दिया, जॉन को डायरेक्ट करना कैसा था? बहुत ही कमाल, बिकॉज यू नो जॉन की सबसे अच्छी बात ये है कि वो पूरी तरह से अपने आप को यू नो डायरेक्टर को सपोर्ट कर देते हैं, एंड ही इज़ वेरी पैशनेट एंड ही कीप्स आस्किंग फॉर टाइम फॉर हिज प्रेप एंड ही इज़ हंग्री टू डू न्यू कॉन्टेंट। मैंने देखा है कि उनको ऐसा कुछ नहीं कि मेरी इमेज ऐसी है तो मैं ऐसी फिल्में करूँ, एनी थिंग यू नो यू कैन डिस्कस विद हिम, इफ़ इट एक्साइट्स हिम ही डज इट। तो इस फिल्म को लेके ही आई थिंक शायद दो साल मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये है कि इतने टाइम बाद जब वो जिस फिल्म के साथ वापस आ रहे हैं, दो साल बाद वो मेरी फिल्म है, यू नो वो ये फिल्म है, क्योंकि कहीं ना कहीं ही ट्रस्टेड द सब्जेक्ट कि यू नो ये फिल्म करूँगा मैं, एंड उस पूरी शिद्दत से उन्होंने किया है एंड इस फिल्म को का पूरा भार उनके कंधों पर है एंड आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। ओके जॉन सर, ये मूवी राजस्थान में जाता शूट हुए, सो वाज इट टफ टू शूट इन द राजस्थान बिकॉज़ वहां की गर्मी बहुत होती है? या बट आई थिंक द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म वाज द शूट, क्योंकि इतना होमवर्क करके हम लोग वहां पे गए थे, ऑफ कोर्स टेम्परेचर्स वहां पे 50 डिग्रीज थे, द टेम्परेचर 50 डिग्रीज लाइट्स के साथ, समटाइम्स 54-55 डिग्रीज गर्मी लग रही थी, बट द शूट वाज ग्रेट, द कास्ट वाज ग्रेट, डायरेक्टर वाज ग्रेट, एक एक शॉट के बाद ही, एक एक टेक के बाद ही से ओके नेक्स्ट, लाइक अरे एक और टेक करते हैं, नहीं 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 मिल गया मुझे, चलो आगे चलते आगे चलते, एंड आई लाइक दैट एटीट्यूड बिकॉज ही वाज सो श्योर अबाउट व्हाट ही वांटेड एंड इट वाज ग्रेट वर्किंग देयर। ओके, आप जब भी मूवी लाते हैं और स्पेशली जेके एंटरटेनमेंट जब भी लाते हैं तो लोगों में लोगों में ऐसा हमेशा रहता है कि कुछ ना कुछ नया लाएंगे, तो प्रमाणु में ऐसा क्या देखने मिले लोगों को जो बहुत ही डिफरेंट होगा? I think we discussed that the whole day. whole day we've been discussing that. But I think the idea is different. The script is different. इसमें villain एक regular villain नहीं है. इसमें villain American satellite. एक American satellite है. So I think everything is different about this film. आप देखें and support this film. It's fantastic. Okay, movie या trailer देखें, poster देखें तो एक बात जरूर आती है, patriotism बहुत दिखता है इसमें, तो आपके हिसाब से patriotism की क्या परिभाषा है? According to me, patriotism is not spitting, not dirtying any place, being corrupt free, you know, just basic things that make India a better place, that's patriotism. जैसे हमारे फिल्म में एक लाइन है, हीरो वर्दी से नहीं इरादे से बनते हैं, तो आपके इरादे सही होने चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड अभिषेक्स फादर इज एक्चुअली फ्रॉम द एयरफोर्स, सो ही अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ पेट्रियटिज्म फार बेटर देन आई डू। नो नो, आई थिंक एवरी रेगुलर इंडियन, आई मीन द ओनली थिंग इज योर कंट्रीब्यूशन टू योर नेशन। एग्जैक्टली, इन सम वे ऑर द अदर आप हर तरीके से कर सकते हैं। या हम फिल्म मेकर हैं, तो हम ऐसी फिल्में अगर बनाते हैं तो वो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कोशिश है हमारी। बट जैसे मेरे फादर एयरफोर्स में थे, वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। एक डॉक्टर अगर अपनी जॉब को ढंग से निभाएगा, यू नो ट्रीटमेंट देगा लोगों को जो नीडी हैं, वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो हर इंसान कर सकता है, वही कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपके नेशनल इंटरेस्ट में हो, वो पेट्रियोटिज्म है। ओके सर, फाइनली 25 मई को मूवी रिलीज होने जा रही है, तो आपके फैंस दर्शकों को क्या कहना चाहिए? Just watch the film, 25th of May. It's a fantastic, engaging thriller. It's a 2-hour film, really moves fast. Enjoy it and let us know what you feel about it after you see it. Okay, Abhishek, anything you'd like to add? नहीं, just that कि आप please जाएं, अपनी पूरी family के साथ जाएं. U certificate film है, सबसे important. Very important, yeah. तो आप पूरी family के साथ देख सकते हैं और हफ्ते दर हफ्ते देखें, बार बार देखें. That's what we want. You know, somewhere because अगर ये film अच्छा करेगी box office पे, तो I think ऐसी और filmें बनेंगी. हम लोगों को एज इंडस्ट्री यू नो सक्सेस ऑल्सो इंस्पायर्स अस कि अलग लीग पे हट के अगर सिनेमा बनाओ तो लोग एंटरटेन होते हैं, वो देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी फिल्में देखें और यू नो हमें इंस्पायर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।